YouTube चैनल दी व्लॉग्स। होप कि आप सब अच्छे होंगे, तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। फिलहाल मौसम की बात करते, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी अभी, तो अभी रुक चुकी है बारिश और इतनी तेज़ हवा चली है। तो फिलहाल इतने दिन से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो ब्लॉग्स नहीं आने का रीज़न ये था कि घर में, जो पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को कि घर में काम चला है, तो वो आज ही जाके थोड़ा सा फारिक हुआ है, ख़त्म हो गया है काम। तो इन कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, ब्लॉग्स बनाने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। तो आज जाके पूरा काम फिनिश हो चुका है। तो बस घर में क्या काम चला था वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे बहुत पहले से कि होम टूर करवाओ, जो मेरे 400-500 सब्सक्राइबर थे तभी बोल रहे थे कि होम टूर करवाओ। तो इतने टाइम से मैंने होम टूर भी नहीं करा था, तो इसी बहाने आप लोगों को जो घर का काम चला था इसी बहाने घर का काम दिखाते दिखाते होम टूर भी करवा लेती हूँ। बाकी चलते ही बार होम टूर करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं किचन से, जिसको हमारे किनारी लैंग्वेज में बोलते हैं पंठंग। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना पंठंग। इसको थोड़ा जोर से खोलना पड़ता है, इसमें पेंट लगाना। तो बाकी ये रहा मेरा पंठंग। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि घर में क्या काम चला था। तो घर में बस ये पेंट करने का काम चला था, क्योंकि काफी टाइम से जो है पेंट, काफी टाइम क्या, इस घर को बन गई 15-20 जब राहुल सोचो 4-5 साल का होना, तब ये घर बना था। तो उसके बाद कभी पेंट नहीं हुआ था इस घर में। तो मैं आप लोगों को सबसे खास बात बता देती हूँ इस घर का, कि इस घर को पापा ने बनाया हुआ है। पापा और जो मेरी सास थी उन्होंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। ये इसमें मिस्त्री या कुछ भी किसी भी चीज़ से किसी की भी हेल्प नहीं ली गई है, तो फिर खुद ही नहीं अपने हाथों से पापा ने ये घर बनाया। पुराने जमाने के लोग होते थे ना कि अपने हाथों से घर वगैरह बनाना है, तो सब कुछ काम पापा ने खुद ने किया है। ये जो लकड़ है, पापा बोलते कि सुबह सुबह जो मैं 3 बजे उठ के जाता था जंगलों में लकड़ लाने के लिए, तो ये सब कुछ जो है ना लकड़ का घर बनाया। नीचे से जो अभी तो इसके ऊपर नीचे मैंने मैट बिछाया हुआ है, मगर ना ये पूरा जो है नीचे से काफी लकड़े लगे हुए इस घर में और ऊपर से लकड़, ये सब कुछ जो देख सकते ना, तो ये पापा ने बनाया। तो इस बार राहुल ने सोचा कि घर में थोड़ा सा पेंट कर लेते, क्योंकि काफी टाइम से पेंट नहीं हुआ था, तो पेंट करने से लकड़ का घर काफी सुंदर लगता है। तो बस हम दोनों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि हम भी घर के लिए कुछ करें, तो बस हम दोनों ने ये कर लिया कि पेंट कर लिया। और एक चीज हमने पूरे घर में ये देख सकते हैं आप, मैट ये लगा दिया, क्योंकि एक बात तो है मेरी ख्वाहिश थी जब से मैंने शादी किया था, बस जब भी मुझे पोछा मारना पड़ता था ना, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी ना कभी इस घर में ना ये क्या बोलते हैं इसको जो भी मैट लगा लूँ। तो बस वो ख्वाहिश राहुल ने पूरी कर दी, मैट लगा दिया। अब ये कि मुझे कभी भी पोछा मारना नहीं पड़ेगा, पोछा तो ऐसे हल्का हल्का पोछा तो मार ही लूंगी, बट जो लकड़ में पोछा मारना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उससे हाथ वगैरह दर्द हो जाता है। पूरे घर में पोछा मारने को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, तो बस अब इस मैट की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो गया मुझे। और काफ़ी जो कपड़े होते थे वो भी बहुत ज़्यादा निकलते थे नीचे से बिछाने को, हर जगह पे पॉश बिछाना पड़ता था जब इसमें लकड़ के ऊपर, जब इसमें मैट नहीं था। तो अब ये है कि कम कपड़े बिछाती हूँ, कम कपड़े बिछाएंगे, मैट के ऊपर ज़्यादा कपड़े तो चाहिए नहीं होता है, तो कपड़े भी कम निकलेंगे और पोछा भी मारने को नहीं मिलेगा। और चलते आइए दूसरा कमरा दिखाते हैं, बिल्कुल साथ में जो है वो है दूसरा कमरा। तो चलते इस कमरे की ओर। बाकी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा लेती हूँ, ये जो पेंट है ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, आप लोगों को पता चल रहा ना, क्योंकि ये पेंट मैंने खुद ने किया, क्योंकि यहाँ पे जो पेंट किया था वो था यहाँ नीचे पेंट, और मन्नत ने चल चल के इतना काला कर दिया था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग पेंट कर लिया, अपना दिमाग चला दिया ज़्यादा। बाकी ये रहा दूसरा कमरा। तो ये है, कोई भी सो जाता है, मैं सो जाती हूँ कभी, राहुल मैं या कभी पापा, अच्छा जो मर्जी जिसका मन करे सो जाते हैं। बाकी बोरे आएंगे तो बोरे, जब मेरी भाभी आती है ससुराल से तो भाभी सो जाते हैं, बाकी वो रहा मेरा टैडी। तो बेचारे को मैंने इसके पैर वगैरह फोल्ड करके रखे, क्योंकि ये काफ़ी पुराना टैडी बियर है, जब मेरी भाभी ने शादी भी नहीं किया था तो उनके बर्थडे पर मैंने उनको ये टैडी बियर गिफ्ट दिया था, तो भाभी अपने ससुराल ले जा नहीं पाए और मन्नत ने खेल खेल के इसका बुरा हाल कर दिया था। तो बस ये ऐसे पैरों को फोल्ड करके काफ़ी सुंदर लगता है, तो मैंने सोचा इसको सजा के रख दिया जाए थोड़ा सा, तो मैंने इसको अभी तक भी संभाल के रखा है। बाकी ये फ्रिज है वो तो लोगों को पता ही चल रहा होना। चलते अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ से अंदर भी है किचन जहाँ पे हम खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ। तो बस यही ये वो सो, और ये जो बर्तने आए जो देख सकते हैं आप बर्तन, ये बर्तन मैंने अभी पीछे लिए कुछ दिन, 2-3 दिन पहले, जो यहाँ पे क्या बोलते जो पुराने बर्तन है उनको देख के नए बर्तन मिल रहे थे, तो काफ़ी घर में जो थे पुराने बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा उन सब बर्तनों को देख के क्यों ना नए बर्तन लिए जाए, तो वो यहीं घर में आए थे, तो उस वजह से मैंने काफ़ी पुराने बर्तन जो उनको दे लिए, और ये पतीला लिया और ये 2-3 ये टोंगे लिए, एक बाल्टी और एक भी बाल्टी, हाँ बस ये 3-4 चीज़ें लिए मैंने उन सब चीज़ों को देखे। तो बस ये रहा नीचे के कमरे, बाकी आप चलते ऊपर कमरे की ओर।
बाकी जो यहाँ से परे है वो है टॉयलेट बाथरूम। तो टॉयलेट बाथरूम तो सबका सेम ही होता है ना, टॉयलेट बाथरूम दिखाने की जरूरत नहीं है ना। अगर दिखाने का होता भी मैं बाथरूम तो बिल्कुल नहीं दिखाती, क्योंकि बाथरूम मेरे इतने सारे ढेर कपड़े पड़े हैं धोने के लिए। मैंने दो तीन दिन से मैं कपड़े ही धो रही हूँ, मैं ऊपर जाकर दिखाऊंगी कि आप लोगों को मैंने कितने कपड़े धोए दो तीन दिन से, फिर भी बाथरूम में कपड़े कभी खत्म नहीं होते मेरे, फिर भी इतने सारे कपड़े। ओ यार यहाँ पे तो पानी गिर रहा है, बाकी ये मेरा सेंटेक्स है पानी का, इसमें पानी गिर रहा है, मैं इसको बंद करके आती हूँ। चलते ऊपर की ओर। बाकी आप इन सीढ़ियों में ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि सीढ़ी अभी चेंज कराना है, इसलिए अभी बहुत सारी हो चुकी हैं। तो ये है हमारा बरांडा। तो बरांडे पे मैंने अभी कर्टन्स लगाए हुए, पहले नहीं थे कर्टन्स, तो मैंने अभी लगाया, क्योंकि जहाँ पे काफ़ी शीशे होते हैं वहाँ पे कर्टन्स लगा के ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना कर्टन्स लगा देती हूँ। तो बस, और यहाँ पे एक अभी बिस्तरा लगा हुआ है जो पापा सोते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मियों में सोते पापा, सर्दियों में तो बाकी कमरे में सोते नीचे, तो गर्मियों में पापा यहाँ सोते हैं खिड़की वगैरह खोल के, तो इसलिए ये पापा का बिस्तरा है गर्मियों के लिए। तो बस अब यहाँ से अंदर है, बाकी यहाँ से अंदर रहा हॉल। तो बस यहाँ पे है मेरा हॉल, और यहाँ पे जो है मेरी प्रिंसी है, मैं आप लोग को मिला लेती हूँ प्रिंसी से। ये रही हमारी प्रिंसी, इसको लाए हुए 4-5 दिन हो रहा है, तो इससे मिलाने का बहुत उछलती है, तो इससे मिलाने का आपको मौका नहीं मिला, क्योंकि इतने दिन से मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी ना, तो बस इसी वजह से। तो इसका नाम क्या है, प्रिंसी। तो इसको यहाँ पे सोती है, ये बहुत स्टैंडर्ड की है, भी हमारे साथ बिस्तरे में सोती है, इसको हाथ से खाना खिलाना पड़ता है, इसको चम्मच से दूध पिलाना पड़ता है, सब कुछ अपने हाथों से करता है, क्योंकि ये अभी 1 महीने की नहीं है, इसको बहुत छोटे में लाया। बाकी तो ये देख सकते हैं आप कर्टन्स, ये मैंने कैसे लगाया हुआ, ये मैंने अपना ज़्यादा दिमाग चलाया हुआ है। तो ये ऐसे सीधे को आना था, तो मैंने इसको पुट्ठे को लगा दिया, क्योंकि अभी मेरे पास कर्टन्स थे नहीं, जो पुराने थे वो ख़राब हो चुके थे, फट वगैरह फट चुके थे, तो मैंने सोचा जब तक मैं पियो जाने का मुझे मौका नहीं मिला, जब तक मैं पियो ना चले जाऊँ, तब तक मैं इसको ऐसे टेढ़ा करके लगा लेती हूँ, ज़्यादा दिमाग चलाती हूँ मैं अपना ऐसे। तो बस यहाँ से परे जो है ये थोड़ा बहुत सोफे वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी मैंने ऐसे किया कर, यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया, देख सकते हैं। बाकी वहाँ से बाहर निकल के भी यही पहुँचते ये वाला दरवाजा, और यहाँ से निकलेंगे तो आप तो भी आप वापिस बरामदे में पहुँचेंगे। तो बाकी तो बाकी मैं आप लोगों को दिखा लेती हूँ, ये जो यहाँ से ऊपर है इसको बोलते हैं हम कक्षा, यहाँ पे जो है हमारे शादी वगैरह में जो यूज़ होता है, जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं हमारे घरों में, तो उसके लिए जो हमारे बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं, तो वो बर्तन हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं, तो बस उन बर्तनों को हम यहाँ से ऊपर रखते, तो उन बर्तनों के लिए स्पेशल बनाया गया है। बाकी यहाँ से ऊपर मैं नहीं चढ़ पाती हूँ, मैं कभी चढ़ी नहीं हूँ, मैं एक बार चढ़ी थी, मैं ऊपर से नीचे आने को नहीं सकी थी, तो वह काफ़ी मुश्किल हो गया था मुझे नीचे आना, उसके बाद मैं कभी नहीं चढ़ी यहाँ से ऊपर। तो बस ये दिखा दी मैं आपको, ये सारे कपड़े ना मैंने खुद ही अपने हाथों से धो के रखे, क्योंकि ये जो कपड़े थे वो जो पंठंग में लगे थे, कमरों में सब जगह लगे थे, मैट लगाने की वजह से अभी कुछ भी सारा धो के मैंने ऐसे उठा के रख लिया, यहाँ पे है, और यहाँ पे अभी नीचे क्या बोलते बाथरूम में भी, वॉशरूम में भी बहुत ज़्यादा कपड़े। बाकी ये रहे मेरे इतने सारे संदूक, इसमें मेरे बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ें, इसमें दोड़ों वगैरह और आधे कपड़े वगैरह, बहुत कुछ जो होता है हमारा ट्रेडिशनल, फोक दोरी जो वगैरह, सब कुछ बहुत सारी दूरियाँ वगैरह सब कुछ इन ट्रंकों में रखा है। तो बस ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा घर। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो है अभी आधा काम चला हुआ है, ये भी हमारे ही है, तो इसमें अभी सिर्फ पिलरें उठाया हुआ है, तो पिलरें उठा के अभी 8-9 साल हो रहे, तो इसके बाद यहाँ पे कुछ भी काम नहीं छेड़ा है, तो बस कोशिश करेंगे कि 2-3 सालों में हम इसमें भी कुछ ना कुछ काम छेड़ लें, एक बार लेंटर वगैरह लगा दें, क्योंकि अगर यहाँ पर भी बनाना स्टार्ट करें तो यहाँ पर भी 4-5 कमरे तो बन ही जाएंगे। तो बस आजकल घर बनाना भी कोई आसान बात नहीं है, हर एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, जो ये जो घर में 4-5 कमरों में जो हमने पेंट कराया है उसके लिए भी कम से कम 70,000 का खर्चा गया है। तो घर में पेंट कराने के लिए ठेके पर दिया था, पेंट करने वालों जो करने वाले थे उनके लिए ज़्यादा खर्चा नहीं, जो पेंट दुकानों से लेना पड़ा उसके लिए इतना खर्चा आया ना, पेंट आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो हर चीज़ पेंट ही नहीं हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो बाकी फ़िलहाल ईंटें तो है हमारे पास काफ़ी, और अभी सरिया वगैरह बहुत कुछ चीज़ लेना बाकी है, तो एक एक चीज़ को एक बार जोड़ेंगे फिर जाके देखते कब बनेगा घर। तो होम टूर हो चुका है ख़त्म, बाकी होम टूर कराने में दीदी ने काफ़ी हेल्प की। दीदी हेलो तो बुला रहे, देखो
तो यहाँ पे दीदी ने काफ़ी हेल्प की है मेरी होम टूर करवाने में, क्योंकि अगर ये तो मुझसे हो नहीं पा रहा था, तो बस ये मेरे पड़ोस में दीदी है, तो मैंने इनसे काफ़ी बार इनको 10 बार फ़ोन कर करके टॉर्चर कर दिया कि दीदी आ जाओ प्लीज़ 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 थोड़ी देर आ जाओ फ़ोन पकड़ने के लिए। तो बेचारे दीदी आ गए। बाकी मिलते हैं आपसे अब कल की व्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें।